मतलब अब कोई रास्ता नहीं रहा? रास्ता है कुंचन, सिर्फ एक रास्ता। चलो भाग जाते हैं। Just run away. सबसे तू, सिर्फ तू और मैं। ये तुम क्या कह रहे हो मैम? हम भाग कैसे सकते हैं? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। रास्ता है मयंक, तुम अपने घर वापस जाओ, अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में समझाओ। कुंजन वो लोग नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ वो नहीं मानेंगे और तुम ट्राई कर चुके हो, लेकिन मैं जरा सोचो, किसी भी माँ बाप को धक्का लगेगा। आई डोंट ब्लेम देम, लेकिन अगर हम डटे रहे ना तो वो आज नहीं तो कल मान जाएंगे मयंक। उन्हें उन्हें एहसास हो जाएगा कि हमारा प्यार सच्चा है, जैसे शैल मौसी मान गई थी। याद है ना, पहले उन्होंने हमें आगे बढ़ने से रोका था, लेकिन फिर मान गई ना। कुंजन, ताई जी की बात अलग है। वो अलग है मयंक, लेकिन वो भी हर माँ बाप की तरह अपने बच्चों का भला ही चाहती है। प्लीज मयंक, वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे फाइनली। ओ प्लीज कुंजन, हर कोई तुम्हारे या ताई जी की तरह नहीं सोचता है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की और यही घर में अपनी खुशी से छोड़ के आया हूँ? कुंजन, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन ये फैसला तुमने अकेले लिया है। हमारा कभी यहाँ से भाग जाने का प्लान था ही नहीं। You just have to leave. Please go home. Fine, कुंजन। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना, तो मत रहो। लेकिन मैं भी यहाँ से घर नहीं जाने वाला। और यहाँ से घर जाने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। कुंजन, अगर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती तो कोई और भी नहीं बन सकता। घर जाने को कह रही हो मुझे? घर जाने से क्या होगा? मेरी चारू से शादी करा दी जाएगी, और उस चारू से शादी करने से अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूं। कोई नहीं समझता मुझे कुंचन, कोई नहीं, तुम भी नहीं। मैं प्लीज स्टॉप, मैं डोंट डू दिस मैन, लिसन टू मी, तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ये पागलपन छोड़ो। मैं जस्ट स्टॉप, मैं क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ये कि क्या पागलपन है मयंक? फिल्मी मत बनो। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तुम उसे ऐसे ही खत्म कर दो। मेरी जिंदगी कैसी है अभी या नहीं, ये तुम्हें शाम तक पता लग जाएगा कुंजन। प्लीज जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जो मन में आएगा वो मैं करूंगा। तुम्हारे पास शाम तक का टाइम है कुंजन डिसाइड करने का। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए ना, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। And I mean it, Kunjan. ये लो मेरी निशान, अगर हम फिर ना मिल पाए तो इसे संभाल के रखना हमारे प्यार की तरह। मयंक, प्लीज अंडरस्टैंड, तुम्हारे इस रास्ते से किसी का भला नहीं होगा। मयंक प्लीज, मयंक
हमारी टीम वन, तुम्हारी टीम जीरो। ठीक है कोई बात नहीं। वेल डन व्याहन, तुमने तो कमाल कर दिया। आप तो मारी डालोगे ना, ये टग ऑफ वॉर क्या चीज है? बस एक और मैच जीत जाओ फिर हम जीत जाएंगे। अनुष्का मैम को हराना है ना? यस सर। राइट, ऑफ कोर्स मैम। बॉयज लेट्स गो फॉर वन मोर। यस। से नहीं बोल सकती हो तो हाथ से लिख दो, सर आई लव यू। ज्यादा टाइम नहीं है पगली, अगर तुमने उन्हें अपना हाले दिल नहीं बताया तो देखो वहां देखो, वो फुदकती हुई चिड़िया तुम्हारे राजीव सर को हुर्र करके ले जाएगी और तुम हॉकी स्टिक पकड़ के रह जाओगी। पता है ना अनुष्का मैडम जैसी अल्ट्रा मॉडर्न गर्ल कितनी तेज होती है। हाँ लेकिन बस करो बच्चुए की नानी, सब यहाँ बिजी है, कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। जल्दी जाकर चिट्ठी लिखकर आते और राजीव सर के टेंट में रख देंगे, फिर चढ़ेगा वहां भी इश्क का रंग। चले कि कैसी है अभी ये नहीं, ये तुम्हें शाम तक पता लग जाएगा कुंजन। तुम्हारे पास शाम तक का टाइम है कुंजन डिसाइड करने का। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई ना तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसे संभाल के रखना हमारे प्यार की तरह। सब प्यार का असर है जाने मन, अब चलो इससे पहले कोई देख ले। जल्दी रखो ना। हाँ रखते हैं। ये हुई ना बात, चलो चलो। कहाँ थी तुम? यही तो थी। अच्छा छोड़ो वो सब, टग ऑफ वॉर क्लाइमेक्स पर है, देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो? चलो जॉइन।
मेरी जिंदगी कैसी है भी या नहीं ये तुम्हें शाम तक पता लग जाएगा गुंजन। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई ना तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। Why you being a cry baby? हार जीत तो चलती रहती है, तुम इतना सड़ क्यों रहे हो? सड़ू। Okay everyone, सब लोग बहुत थक गए होंगे अब। Yes sir! तो खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं और ठीक 4 बजे यहीं मिलेंगे तैयार होके। हम सब नेचर वॉक पे जा रहे हैं, ठीक है? कुछ नए पौधों की और बर्ड्स की स्पीशीज के बारे में जानने के लिए। Okay, sir. Okay. ग्रेट मैम, क्या गेम प्लान था तुम्हारा? हाँ हाँ, तो तुम मुझे एटीट्यूड दे रही हो। मैं तो हाय विहान, हाय, तुम छाया हो ना? आपको हमारा नाम पता है? पिंच करो, अभी पिंच करो, नहीं तो हम भी होश हो जाएंगे। उसने हमसे बात की। छाया, खाना खा लो, नहीं तो तुम सच में बेहोश हो जाओगे। आओ, बैठो। क्या हुआ गुंजन? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पानी लेकर आती हूँ। लगता है वो कैंप एंजॉय नहीं कर रही है। हाँ, बस कोई सीरियस बात ना हो। सीरियस तो राजीव सर को हो जाना चाहिए। आई एम श्योर अब तक तो डेफिनेटली तुम्हारा लेटर पढ़ लिया होगा। हे भगवान, वो गुस्सा ना हो। फिर वही रचना, तुम्हारा आंसर पॉजिटिव होगा, देखना। राजीव यू कैरी ऑन, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। श्योर, आप कुछ मदद चाहिए तो बताना। हाँ। ओके गाइस, दिस इज गोइंग टू बी फन इन द जंगल बट ओनली इफ वी फॉलो द रूल्स। कोई भी जंगल में अकेले नहीं चलेगा। जंगल में कोई जंगली पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाएगा। वी डोंट नो क्या जहरीला है क्या नहीं। सब लोग नीचे देख के चलेंगे। जंगल में गहरे गड्ढे होते हैं, हमारी छोटी सी लापरवाही एक एक्सीडेंट में बदल सकती है। एंड लास्ट रूल, कोई भी पीछे नहीं चलेगा।
हम लोगों से आगे चलेगा, आगे इसलिए ताकि हम आप पर नजर रख सके। यू गाइस रेडी? यस सर। चपटी को राजीव सर पे गिरती रहती है। ऑन योर मार्क्स एंड वॉक। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मुंशन, नहीं रह सकता। तेरी निगाहों के, तेरी ही राहों के करीब से गई जिंदगी, तुझे क्यों देखा ना, तुझे क्यों जाना ना, शिकायतें। तुम अपने मम्मी पापा से बात करने की हिम्मत जुटा पाए या नहीं? मैं ही बेवकूफ थी जो उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इन दो दिनों में तुम कुछ बोल पाओगे। कैसे अब ये फासला, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे। सिर्फ एक रास्ता, चलो भाग जाते हैं। कोई ख्वाहिश है हवाओं में बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे। मैं भी यहाँ से घर नहीं जाने वाला, और यहाँ से घर जाने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। मेरी जिंदगी कैसी है अभी या नहीं, ये तुम्हें शाम तक पता लग जाएगा गुंजन। और नहीं सहा जाता कुछ। आज अगर तुम नहीं आई तो इस खाई से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा। शैल, जरा यहां आना। जी आई। जरा जल्दी आना शैल। आ रही हूं जी। कहां चले गए कागजात? ये तो रखे थे, जरूरी कागजात थे। कहीं शैल ने अपनी अलमारी में तो नहीं रख दी? आदरणीय ताई जी, मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। और हो सके तो घर में सभी को समझा दीजिएगा, खासकर मम्मी पापा को। क्या करते, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। वादा करते हैं कि हम जल्दी वापस आने की कोशिश करेंगे। आपका बेटा मयंक। क्या है शैल? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है।
अब तुम्हें सिर्फ हमें नहीं सारे घर को जवाब देना होगा।